नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान के लाखों पेंशन धारकों को मिलेगी खुशखबरी, 5 माह के एरियर के साथ मिलेंगे 1,000 रुपए। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में 70% पेंशन धारियों को अपना रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने पूर्ण कर दिया है, जिसके बाद 1 जून से सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह जो पेंशन जो है सीधे उनके खाते में आएगी, जिसमें वृद्धावस्था और एकल नारी और इसके अलावा विशेष योग्यजन, लघु सीमांत, कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों की बढ़ी हुई पेंशन राशि जो है उनको मिलेगी। वैसे पहले राज्य में 500 से 750 रुपए की न्यूनतम पेंशन कई श्रेणियों में दी जाती रही है, लेकिन अब इन श्रेणियों में न्यूनतम 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वह 58,39,000 में से यहाँ पर 40 लाख ज्यादा पेंशन धारियों को अपना रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने पूर्ण कर लिया है, यानी अगले 4 दिन बाद उन्हें सभी को यहाँ पर खाते में न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन राशि जो है उनके खाते में पहुंची। ये जानकारी डॉक्टर सुमित शर्मा, सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से मिली है। अगली खबर की तो राजस्थान के 25 जिलों में अलर्ट हुआ है जारी, आज खतरनाक हो सकता है मौसम, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। राजस्थान के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कल भी कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है और तेज हवाएं चली है। आज 25 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जो है राजस्थान में जारी कर दिया गया, यानी 25 से ज्यादा जिलों में इस तरह का मौसम रहेगा। वही मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 25 से ज्यादा जिलों में कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की बात यहां पर कही गई है। मौसम विभाग के अलर्ट से डरना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह तूफानी हवाएं 25 तारीख को भी चली थी जिन्होंने कई घरों का चिराग जो है बुझा दिए। वही 25 मई को भी 94 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली थी, बिजली गिरने में 6 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हुई थी। वही मौसम विभाग ने आज कई इलाकों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान के ऊपर एक परिसंचार तंत्र बना रहेगा। अब एक और नया पश्चिमी विक्षोभ जो है 30 तारीख को सक्रिय होने के आसार है, जिसके कारण कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि आज बन रहे सिस्टम का प्रभाव लगभग पूरे राजस्थान पर दिखेगा। सबसे ज्यादा असर जो है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर और कोटा रीजन में देखने को मिलेगा। वही सिस्टम में इस बदलाव के कारण हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी और कई इलाकों में बारिश के साथ ओला, यहाँ पर जो ओले जो है वो गिर सकते हैं। वही बिजली गिरने का भी डर है। वही 30 मई को जयपुर, उदयपुर और अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के अधिकांश भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे जो रफ्तार जो है उसमें यहाँ पर आंधी चलने के आसार है, साथ ही बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वही बदले मौसम के कारण दिन का तापमान है उसमें 10 डिग्री तक गिरावट आई है। वही रात का तापमान में 5 डिग्री तक गिरा है। दरअसल कल देर रात ही यहाँ पर जयपुर में सहित कई जिलों में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। वही कई इलाकों में यहाँ पर पेड़ उखड़ गए। वही झालावाड़ में यहाँ पर स्टॉक में और कोटा में जोरदार बारिश कल हुई। वही बीकानेर में भी यहाँ पर 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। वही करंट की चपेट में आने से 2 तेंदुओं की अब मौत हो गई। इससे पहले झुंझुनू में तूफान से सीन जो मतलब टीन शेड है वो उतर गए। किसान जो टीन शेड वाले थे वो यहाँ पर किसानों के ऊपर जाकर गिरे थे, चोट की वजह से किसान की मौत हो गई थी। नागौर में भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी, जिसके कारण एक मोबाइल टावर धराशायी हो गया। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अभी आने वाले 24 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने के आसार है। वही आने वाले 24 घंटों के दौरान लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की बात जो है मौसम विभाग की ओर से कही गई है। दरअसल लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की बात यहाँ पर कही है। अभी फिलहाल जो राजस्थान में बारिश चल रही है वो प्री मानसून की चल रही है, जिसके कारण कई इलाकों में आंधी तूफान और जानलेवा यहाँ पर आंधी तूफान चलने के आसार जताए गए हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 10वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, देखिए इस तारीख को जारी हो सकता है राजस्थान 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 2023 के लिए जो RBSE 10वीं का रिजल्ट जो है वो जारी करेगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान बोर्ड द्वारा आज राजस्थान में 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि RBSE की ओर से तारीख और समय पर अधिकारियों की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आजकल में इस तरह का रिजल्ट जो है घोषित हो सकता है। और जो भी स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वो परिणाम घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट जो है rajedubo.rajasthan.gov.in वेबसाइट, इससे जाकर अपना जो रिजल्ट जो है वो चेक कर सकेंगे। वही संबंधित स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट मार्कशीट जो है वो देंगे। पिछले साल 10वीं में स्टूडेंट्स की 5% था और लड़कियों का 84% रहा था, लड़कों का 81% रहा था। वही राजस्थान में बोर्ड जो 10वीं बोर्ड का जो रिजल्ट जो है आज और कल 2-3 दिनों में यहाँ पर अभी
जारी होने वाला है। बोर्ड की ओर से फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी जो है सामने नहीं आई है, लेकिन रिजल्ट जो है बहुत जल्द यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। वही दसवीं का रिजल्ट राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। वह दसवीं की परीक्षा के लिए लाखों की संख्या में छात्रों ने अपना पंजीकरण करवाया था। अब वही सभी छात्र जो है वो ये रिजल्ट का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं।